दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे की वजह से 28 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, तो एक बार फिर से कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ ही घना कोहरा भी छाया हुआ है और ऐसे में हवाई और रेल सेवा दोनों ही प्रभावित हुई है। 28 ट्रेनें इस वक्त देरी से चल रही हैं। जो लोग अपने दोपहिया या चार पहिया वाहनों को लेकर के सड़क पर चल रहे हैं उनको भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। इसके अलावा रेल सेवा प्रभावित हुई है, उड़ानों पर भी असर पड़ा है। यात्री काफी ज्यादा परेशान हैं, जिनको अपनी मंजिल तक पहुंचना है उनको देरी होगी। आरती के बीच में ही वहां मौजूद पुजारियों ने शंखनाद किया। एक तरफ प्रधानमंत्री ने रामलला की नई नवेली प्रतिमा की आरती उतारी, दूसरी ओर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अस्थाई मंदिर में विराजमान रहे रामलला की मूर्ति की आरती उतारी। ये प्रतिमा रामलला की नई मूर्ति के आगे ही रखी थी। मोहन भागवत ने इसी की आरती उतारी। योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल ने भी आरती की थाली हाथों में ली और नए राम मंदिर में हुई पहली आरती का हिस्सा बने। गर्भगृह में हो रही इस पूजा का सीधा प्रसारण मंदिर के बाहर मौजूद हजारों खास मेहमानों समेत पूरे देश में दिखाया गया। और जैसे ही प्रधानमंत्री ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की, मंदिर के बाहर मौजूद लोगों पर फूलों की बारिश होने लगी। ये फूल भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने बरसाए। और जैसे ही मंदिर के अंदर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वैसे ही मंदिर के बाहर बैठे लोगों पर फूल बरसने लगे। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने मंदिर के बाहर बैठे खास मेहमानों पर फूलों की बारिश की। फूलों की बारिश होते ही अभिनेत्री कंगना रनौत की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो हजारों दर्शकों के बीच जय श्री राम के नारे लगाने लगी। भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर राम मंदिर के आसपास फूल बरसाते हुए सरयू के घाट की ओर निकल गया। लेकिन आसमान से फूलों की बारिश होने से लोगों की खुशी दुगनी हो गई। मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की पहली झलक सामने आई।